नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। शयनी थाना क्षेत्र के देवपुर गांव में रविवार की रात प्रधान के शह पर पुलिस एक घर में घुसकर युवक को पीटते हुए बाहर ले आई। इस दौरान युवक सिर्फ कच्चा और बनियान पहने हुआ था। युवक की मां ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी को अपना दर्द बयां किया। एसपी ने प्रकरण में जांच के आदेश दिए। युवक को घर से बाहर पकड़कर ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देवपुर गांव की रहने वाली शांतनु ने बताया कि रात करीब 12 बजे पुलिस बिना किसी शिकायत के घर में घुस गई। सोते समय उनके बेटे को पहले पीटा और फिर उसे घसीटते हुए बाहर ले आई। महिला के मुताबिक यह सब प्रधान के इशारे पर हुआ है। प्रधान भी पुलिस के साथ मौजूद थे। दोषी पुलिस कर्मियों और प्रधान के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की जाए। एसपी डॉक्टर यशवेश सिंह ने सीओ लालगंज से प्रकरण की जांच कराने की बात कही है। उधर थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह ने बताया कि युवक प्रधान के साथ गाली गलौज कर रहा था। शिकायत पर पुलिस पहुंची तो बाद में युवक को समझा कर वापस लौट आई थी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर डेस्क रिपोर्ट। मैडम, क्या नाम है आपका, कहाँ से है, क्या है मामला? मेरा नाम शांतनु है, सरेनी देवपुर से आई हूँ। सरेनी मेरा थाना है। क्या है मामला? मामला ये है साहब कि रात 12:30 बजे मेरे घर में पुलिस प्रधान के सहित घुसे और मुझे मारा, गाली दिया, धक्का दिया, बिना कसूर के, बिना महिला पुलिस के मेरे घर में घुस गए और मेरे बच्चे को रात कच्ची बनियाए कच्ची पहने था सिर्फ, और छत से घसीटते हुए मारते हुए ले गए। कौन ले गए? पुलिस वाले और साथ में खिन्नी विष्णु प्रताप प्रधान भी थे। कौन से थाने का मामला? सरेनी थाने का। कौन से पुलिस वाले हैं? तोमर नाम लिया जाता था, महेश तोमर। तो आज कहाँ आए? आज हम यहाँ आए हैं सरेनी। अरे, मुलाकात हुई क्या? जी हाँ, साहब से मुलाकात हुई। हम रायबरेली यहाँ। क्या बोले साहब? साहब ने बोला कि तुम्हारी सुनवाई होगी।